अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक माय चैनल सूफियाज एडवेंचर। आज मैं बना रही हूँ कीमे वाले पराठे और इसकी रेसिपी आपसे भी शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने छोटे पेड़े बना लिए हैं और फिर यहाँ पर कीमे को भी पीस लिया, आलू और कीमे को मिक्स करके पीस लिया है। पराठे में ऐड करती हूँ क्योंकि ऐसे आलू साबर डालती तो पराठा फट जाना था, तो यहाँ पर मैंने फिल कर लिया ऐसे। और तवा भी गर्म हो चुका है, अब इसको मैं तवे पर डालती हूँ। यहाँ घी डाल के इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। यहाँ हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है, अब नाश्ता करते हैं हम। आप भी आइए, बहुत मज़े का पराठा बना था, बहुत ही लजीज, क्योंकि रात का जो सालन बचा हुआ था उसी का मैंने अब पराठा बनाया है सुबह में। चलें भाई हस्बैंड को देते हैं नाश्ता, आगे की रूटीन आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ मैं पहुँच गई हूँ अपने ससुराल और यहाँ का व्यू आपको दिखाती हूँ। मौसम बहुत सर्द है, धुंध है, धूप का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है कितने दिनों से। बस अल्लाह करे कि धूप लग जाए, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है। ये देखें किस कदर मौसम ख़राब है, धुंध छाई हुई है, धूप का तो कहीं भी नामो निशान नहीं है। पता नहीं कब निकलेगा ये सूरज, सूरज को देखने के लिए ही हम तरस गए हैं। लाहौर का मौसम कुछ ऐसा है, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस शहर से देख रहे हैं मेरी वीडियो और वहाँ का मौसम कैसा है। सर्दियों की ज़रूरत चाय, और चाय 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 हर टाइम बस चाय मिलती रहे सर्दियों में। और आज का व्लॉग भी आपको चाय पे ही मिलेगा क्योंकि ज़्यादातर बस मैंने चाय की शूटिंग की है, बार बार चाय हमारे घर बनी है और मज़ेदार चाय के साथ बस आज का आगाज़। यहाँ मेरी चाय तैयार हो चुकी है, मैंने कप में डाल ली है, अब ले कर ऊपर चलते हैं। हस्बैंड वेट कर रहे हैं ऊपर ही, उनके साथ बैठ के चाय पीती हूँ। हमारी जो सीढ़ियाँ हैं इसके स्टेप थोड़े ऊंचे हैं तो चढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। पहुंच गए हम अपनी प्यारी सी जगह पे, जहाँ पे मुझे खड़े होके बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा आपसे भी शेयर करती हूँ। और चाय बनाने वाले को थोड़ी तकलीफ़ होती है, पीने वाले को कोई तकलीफ़ नहीं होती। सर्दियों में चाय बनाने वाले से पूछा जाए कि उसका क्या हाल होता है बार बार जब चाय बनाई जाए तो। आप भी आएँ हमारे साथ पिए मज़ेदार सी चाय। चाय पी ली थी हस्बैंड को छोड़ने में, नीचे आई थी वो जा रही थी दूसरे घर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।